हेलो गाइस, तो आज फिर से स्वागत है हमारे इस छोटे से गार्डन में। और आज हम बात करेंगे ये जेट प्लांट के रिपोर्टिंग और सॉइल मिक्स के बारे में। ये जो पौधा आप देख रहे हो, इसको मैं हमारे लोकल नर्सरी से लेके आया था। दरअसल इसको बकरी ने खा लिया था, तो नर्सरी वाले बिल्कुल मेरे को आधे दाम में दो पौधे दे दिए और मैं इनको लाके हमारे घर के एनवायरमेंट में सेट होने के लिए छोड़ दिया था। तो यहाँ पे देख सकते हो थोड़ा थोड़ा ग्रोथ होने लगा था। और मैं आपको बता दूं, जो भी बोनसाई का शौकीन रखते हैं उनके लिए बहुत ही बढ़िया होता है ये पौधा। और हम भी जल्दी इसका बोनसाई लुक इंट्रोड्यूस करेंगे। तो चलो अभी हम इसका सॉइल मिक्स के प्रिपरेशन के बारे में जान लेते हैं। जेट प्लांट लगाने के लिए सबसे अच्छा मिट्टी बालू मिट्टी होता है, जिससे कि वो अच्छे से ग्रो करता है। तो इसके लिए मैं ले रहा हूँ 50% गार्डन सॉइल, 40% बालू और 10% खाद। इसको हम अभी अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसके बाद हमारा जो पौधा आप देख सकते हो, एक छोटे से टब पे लगा हुआ है, मतलब छोटे से कप पे लगा हुआ है। इसको हम अच्छे से खोल के इसका जो चिकनी मिट्टी है इसको अलग कर देंगे, ताकि इसका ग्रोथ अच्छा रहे और हमको हेल्दी पौधा मिले। और इस तरह से देख सकते हो हम इसका मिट्टी को हटा लेंगे। तो गाइस, मैंने सारे पौधों का मिट्टी अच्छे से हटा लिया है। देख सकते हो इसका जो सारा रूट दिख रहा है हमको। इसके बाद हम इसको थोड़े से ही बड़े पॉट में ट्रांसफर करेंगे। तो इसके लिए ये देख सकते हो मैंने प्लास्टिक का गमला लिया है। तो चलो अभी हम इसको अच्छे से मिट्टी भर के पौधे को लगा लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा पौधा रेडी हो चुका है। अभी हम बाकी पौधों को भी इस तरह से हम लगा लेते हैं। तो गाइस फाइनली आप देख सकते हो, ये दरअसल तीन पौधे क्यों है, क्योंकि एक जो पॉट था ना उसमें दो पौधे थे, तो मैंने सेपरेट करके लगा दिया है। और अभी हम इसको कुछ दिन के लिए सेमी शेडेड एरिया में रख देंगे, फिर हम इसको धूप में रख देंगे, क्योंकि इसको धूप ज्यादा पसंद है, तो धूप में ज्यादा अच्छे से ग्रो करेगा। तो गाइस कुछ दिनों के बाद आप खुद देख सकते हो इसका ग्रोथ कितना बढ़िया लग रहा है। और जो तीन नंबर पौधा था ना, वो दरअसल हमारा एक दोस्त ले लिया, तो मेरे पास दो ही पौधे बचे हैं, लेकिन इनका ग्रोथ आप देख सकते हो एकदम बढ़िया लग रहा है। तो गाइस वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और पौधे कैसे लगे वो भी बताना। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक मारना और भाई सब्सक्राइब भी मार देना। हम मिलेंगे और एक वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और एक बात, अगर पौधे के रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, हम पूरी हेल्प करने की